हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये जो होम टैब के रिबन में एक टैब है नंबर्स का, तो इस नंबर्स के क्या यूज है। एक किसी भी कॉलम में कुछ भी मेंशन आप जब करते हैं तो आपसे देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि टेक्स्ट क्या है और नंबर्स क्या है। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई भी डिजिट टाइप करी, या आप देख रहे हैं सारी चीजें, आपकी सारी जो भी डिजिट आप मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे टाइप करते ही ये राइट साइड चला जा रहा है। ओके, तो ये आपके हो गए नंबर्स। बट अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, ये देखिए आपके ये हो गया आपका टेक्स्ट। तो ये हमारे आइडेंटिफाई करने का एक इजी वे है कि जब आप किसी भी चीज को टाइप करते हैं एक्सेल के कॉलम में, तो जब आपके कॉलम के लेफ्ट साइड में कोई भी चीज एंटर्ड होती है तो वो टेक्स्ट होता है, एंड कोई भी अगर आप एंटर करते हो कोई भी चीज वो राइट साइड में एंटर्ड होती है तो वो आपके नंबर्स होते हैं। मैं आपको कन्वर्ट करना भी बताऊंगी नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये नंबर्स हैं, ये जनरल नंबर है, ये जनरल है। बट अगर आप जैसे इसको टेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या होता है, नंबर में कन्वर्ट करने से आपके जो डेसिमल के बाद की चीजें होती हैं वो भी आपको शो होने लगती हैं। इसे आप डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो नेक्स्ट है आपकी करेंसी। करेंसी में क्या होता है कि आप जानते हैं कि करेंसी इंडियन के जो रुपीस होती है उन्हें करेंसी कहते हैं, ये डॉलर्स भी होते हैं। तो करेंसी में क्या होता है कि जैसे ही हमने कोई भी डिजिट टाइप करा उसके आगे हमने यहाँ पे जाके करेंसी टाइप क्लिक कर दिया, आप देख रहे हैं ये इंडियन रुपीज का होने लगा। ओके, तो अगर लिखना होता है कहीं तो आप क्या करेंगे, पहले साइन लगाएंगे एंड देन टेक्स्ट टाइप करेंगे डिजिट। तो इसको इजी वे में आप करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सिर्फ आप टाइप करते चले जाएं डिजिट, देखिए इस तरीके से आपका चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेट। डेट में क्या होता है कि डेट का एक शॉर्ट फॉर्म है जो मैं आपको शॉर्ट की बताती हूँ कि आप कंट्रोल के साथ जैसे ही सेमी कॉलन प्रेस करते हैं, ये देखिए आपका एक एक्चुअल डेट बता रहा है जो आज की डेट है। तो हमने ये एक ईजी वे है डेट जानने का, इसे हमने क्लिक कर दिया। ये आपका जैसे ही आप ड्रैग करते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल सेमी कॉलन, ये आपकी डेट आ गई। अभी डेट में भी आपका क्या होता है कि कई दो ऑप्शन होते हैं, एक शॉर्ट डेट होती है एक लॉन्ग डेट होती है। तो शॉर्ट डेट में आप देख रहे हैं कि डिजिट्स में सिर्फ शो हो रहा है, अब इसमें मंथ कौन सा है। अगर कोई एक चीज दिया हो तो आपको थोड़ा मुश्किल होता है समझना कि मंथ कौन सा है डेट कौन सा है, उसके लिए हम लॉन्ग डेट का यूज करते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया एंड देन यहाँ पे डेट पे जाके आपने लॉन्ग डेट पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए आपको कैसे शो हो रहा है 10th of August 2019। ये आपके होता है इजी वे के लिए। अब नेक्स्ट है आपका टाइम। टाइम का भी एक शॉर्ट की होता है फ्रेंड्स, जो कि आप कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन प्रेस करेंगे जैसे ही, वो देखिए आपका एग्जैक्ट एक्चुअल जो टाइम होता है ये देखिए इस तरीके से शो हो रहा है। ओके, टाइम के भी आपके कई ऑप्शन होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे जाके जैसे टाइम पे क्लिक करा, यहाँ से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट पे जाके आप जैसे ही टाइम पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए आपके टाइम के भी कई ऑप्शन हैं। इस पर आपने क्लिक किया, ओके कर दिया, देखिए आपके पीएम एम जो भी चीजें हैं वो आपकी शो होने लगेंगी। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, जैसे आपने कोई भी डिजिट टाइप करा है तो डिजिट को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 35%। आपने परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, इस तरीके से देखिए आपका परसेंट क्लिक हो गया, बट आप इसको डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से अगर आपने सेलेक्ट करके एक कॉलम को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, सपोज दैट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए जब भी कुछ टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज मिलेगा। ओके, फ्रैक्शन क्या होता है कि अ डिजिट डिवाइडेड बाय डिजिट, जो भी आपका एक डिजिट होता है वो किसी और डिजिट से डिवाइड होकर क्या रिजल्ट आता है वो आपका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, आपने 0.24 टाइप किया हुआ मैंने ऑलरेडी, इसको जैसे ही हम फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे देखिएगा आप रिजल्ट क्या आता है आपका इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक। साइंटिफिक में आप कोई भी डिजिट जैसे टाइप करते हैं, आपका कोई डिजिट अगर बड़ी हो जाती है तो आप देखेंगे इस तरीके से शो होता है, यह होता है आपका साइंटिफिक। इसको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होता है जो कि आप इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिसको हमने अगर नंबर में कन्वर्ट करना है देखिए इस तरीके से आप नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है अगेन आप इस पर जाके साइंटिफिक पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरीके से शो होगा। टेक्स्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया नंबर को टेक्स्ट में आप जैसे देखिए यहाँ पे हमने डिजिट टाइप करा कोई भी, ये देखिए आपकी डिजिट बन रही है। बट अगर हम इस डिजिट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे जाके, तो ये देखिए आपका टेक्स्ट बन गया। तो ये आपका होता है टेक्स्ट। कॉमा स्टाइल होता है,
जो कि जैसे आपने एक डिजिट लिखी हुई है यहाँ पे। अभी आपको इसे रीड करना है तो आप वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड करके रीड करेंगे, बट अगर आप कॉमा स्टाइल पर क्लिक करते हैं एंड देन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितना इजीली आप रीड कर सकते हैं कि 54,66,332 रुपीज़ है, यहाँ पे आप 5,453 है। तो इस तरीके से आप इजीली रीड कर सकते हैं। एक अगेन यहाँ पे आपने मूव नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करा, फिर क्लिक करते ही आप देखें एक कस्टम का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी, ये बेस्ट यूज़ है हमारे एक्सेल वालों के लिए। अगला वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और बाकी लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।